जान, माल, इज्जत और दीन चार उनकी चीजें हैं जिनको नुकसान पहुंचाने की मजहब में इजाजत नहीं देती। वाह, कभी तोड़फोड़ न कर दिया, कई कानून को हाथ में ले। हमारा मजहब हमसे कहता तुम कानून की पाबंदी करो। अब मैं इस हुकूमत से जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि हम तो कानून की पाबंदी कर रहे हैं, मगर आप भी कानून की पाबंदी। वाह वाह वाह, अपने मुल्क आइन को मान रहे हैं, आप भी इस मुल्क आइन पर जिसका सेकुलर किरदार है उसकी इबादत कीजिए। और ये आप और हम मिलकर अगर ये न करेंगे तो ये आपके और हमारे मुल्क को तोड़ने की साजिशें हैं। इस एक ईंट न जाने कितने निशाने हैं, सिर्फ आपस में लड़ाना नहीं है, मुल्क को तोड़ना भी है। खुदा के लिए होश में जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि तारीख में मुल्क जोड़ने वालों का नाम कुछ और लिखे हो और मुल्क तोड़ने वालों का कुछ नाम। क्या कहना, वाह 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 वाह, हमारी आपस में मोहब्बतें, हमारे आपस में ताल्लुकात उसी तरह बरकरार है कि पता नहीं चले कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। मालिक से दुआ करूँगा उसकी रहमत पूरी कायनात के लिए है, उनके रोग के लिए, तो उस रहमत को फैला। इलाही आमीन, इलाही आमीन, रहमत के वारिस बनेंगे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं जिसकी बाइक हूँ उसको इधर रही। वाह 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 वाह, खाई ना आया है तो बताएं। अकेले भी गुलारी से तो एक में प्रोग्राम करते हो आप इधर अकेले तीन अकेले हमारे दोस्त करो रहे हैं। मौलाना रजा हिरा साहब की दुआ, मौलाना प्रकाश जोहर साहब की दुआ और जो लोग हैं वो इधर बात जगह पर खा सकते हैं। बाइट करनी है तो थोड़ा सा भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ हुकूमत से नहीं मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि ये आस्था का मसला है, धार्मिक आस्था का मसला है, इसे समझे। जो लोग यहाँ पर हैं उनकी भी आस्था को ठेस पहुँची है, जो नहीं है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी भी आस्था को ठेस पहुँची है, अरबों मुसलमानों की अकीदत को ठेस पहुँची है, आस्था को ठेस पहुँची है, तो इसे हुकूमत कायदे से समझे। और दूसरी बात यह है कि एक तहकीक की जाए, पैनल बिठाया जाए कि वसीम उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे कुरान की आयतों को समझा, कैसे उसने इतनी बड़ी किताब लिख दी, इनके पीछे जो अफराद हैं उनके चेहरे से नकाब उठाए जाए। और एक बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि वसीम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, बल्कि हमारा ये मुतालबा है, हमारे कौम के नौजवानों का मुतालबा है कि वसीम को गिरफ्तार करके पागलखाने भेजा जाए, क्योंकि ये जेल के लायक नहीं है। और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, जिस तरह से आपकी आस्था धार्मिक आस्था है और उसकी बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े फैसले हुए हैं, वैसे हम सब की आस्था बहुत ही हमारे नज़दीक बहुत अजीम है। अगर आपने ये दरवाज़ा खोल दिया, इस पर शासन प्रशासन खामोश रहा, तो फिर ये दरवाज़ा अगर खुल गया तो इस मुल्क के अमन अमान को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो मैं दुनिया की यानी हिंदुस्तान के कोने कोने के जितने भी मुसलमान हैं सब की तरफ से हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, सबसे पहले इसकी किताब को बैन किया जाए, दूसरे इसको गिरफ्तार करके वसीम को गिरफ्तार करके पागलखाने भेजा जाए, और तीसरा ये तो दिखना चाहिए यार। आप
एक जिला और नीचे उतरा मोहम्मद यादव साहब के मिला से उनके شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعداء الله أما بعد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قرآن مجيد کا اعلان ہے پیغمبر اسلام کی عظمت کے سلسلے میں کہ تم اپنی آوازوں کو بھی ان کے سامنے ان کی آواز پر آج ہم جس لیے جمع ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ملک نہیں چاہتے ہمارے مولانا وزیر صاحب نے خود میں جمعہ بتایا اور شریعت نے اس کی موت کو بتایا جیسے کہ سلمان رشدی کی جو اس کی حرکت تھی جو اس کی سازش تھی اس کے بارے میں فتوی کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا مرزا فتوا دے دے خدا مرزا فتوا دے دے بالکل واضح اور روشن ہے کہ جو اتنی بڑی توہین کرتا ہے اس کے سلسلے میں کیا سزا ہے صرف وہی نہیں ہم اپنے ملک کے انتظامیہ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو سیاست مدار پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت بلکہ اس سے ہزار گنا کم تر حرکت کوئی اور فتوے والا کرتا تو کیا آپ خاموش رہتے کیا آپ کسی طریقے سے سوتے رہتے لہٰذا آپ ذرا غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے جانے اور انجانے میں آپ سازش کا شکار ہونے جا رہے ہیں ایک طرف آپ درخواست کرتے ہیں ہمارے علماء کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ہماری گورنمنٹ ہماری حکومت ہماری پارٹی سب وکاس چاہتی ہے ساتھ دینا چاہتی ہے یہ کیسا وکاس ہے ہم کو کوئی وکاس نہیں چاہیے جب تک کہ ہمارے عقائد محفوظ نہیں رہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس میں سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کا احترام ہونا چاہیے لوگوں کی آستھاؤں کا احترام ہونا چاہیے پیغمبر اسلام سے مسلمان جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کی جنگ جمنی تہذیب جو ہے ہم سب سے پہلے کامن لینگویج اور قومی زبان میں اپنے ملک کے ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں پر حکومتی انتظامیہ ہے اس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر آپ اس کو روک نہ پائیں گے اس لیے کہ کسی بھی دین کے رہنما کی توہین کرنا یہ کبھی بھی ہمارے ملک کی تاریخ نہیں رہی ہے ہمارے ملک میں جنگ جمنی تہذیب کے نتیجے میں آج دنیا میں یہ ملک پہچانا جاتا ہے پیار محبت الفت یہاں ایک در مکان کی در و دیواریں ایک طرف اگر سنسنگ رہتا ہے تو دوسری طرف کمار رہتا ہے سامنے کو سکھ رہتا ہے تو پیچھے محمد عمر رہتا ہے اور محمد حسن ان دونوں کے ساتھ سنگ مل کر کے یہ ملک کی عمارت کو بنایا گیا اور تعمیر کیا گیا ہے لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں ہمارے ملک کے انتظامیہ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہمارے ملک کے اس عظیم تعمیری عمارت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو توہین کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ خاموش رہنے کا مقام نہیں ہے ہم کو ہمارے قانون میں ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں شکار ہوئے ہیں اور جو لوگ شکار ہوئے ہیں ان کو سب سے سزا دی جائے گی اور باقاعدہ قانون پر ہو جائے ہم یہ مراد نہیں چاہیں گے اور قانون کے دائرے میں ہمارے ہم کے بات کی جو بھی ہمارے علماء کرام جو بھی پلان بنائیں گے اس تحت جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے ہم اپنے تمام جوانوں سے سب سے پہلے مرحلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام کی سنت کو اپنے عمل کی صورت میں پیش کر دیں تاکہ دشمن کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو جائے کہ جس پیغمبر اسلام کو تم اس طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہو جو اس کے پارے ہیں ان کے
दरमियान प्यार मोहब्बत, उनके दरमियान किस वसीम जहानी कह रिजवी क्यों कह रहे हैं? इस मुल्क में ऐसी सूरत आई है और यहाँ हमारी हुकूमत जो अब तक हमेशा सद्भावना आपसी मोहब्बत के माहौल को बरकरार रखने वाली हुकूमत इस वक्त पूरा तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं हिंदुस्तानों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी साजिशें उल्टा काम करती हैं। वाह तुम सोचते हो कि इनको बदनाम करके कुछ इनको छोड़ चले जाएंगे, मगर हमारा तजुर्बा यही है पिछले 50 वर्षों में तुमने जहां कुरान के खिलाफ लिखा वहीं हक के ढूंढने वाले कुरान पढ़ पढ़ के न जाने के हक को पैगंबर के खिलाफ लिख रहे हो। इंशाल्लाह ये दुनिया जा चुकी है, न जाने कितने हैं जो पढ़ पढ़ के फिर किधर आ जाएंगे। इधर सोचा ले जाना चाहते हो इससे कुछ नहीं होने वाला है, दो चार को डरा के इंतजार के लालच दे के पैसा लेकर गरीब लोग है, तुम्हें हमने से बड़ी तादाद नसीब होने वाली। वाह, नारा रिसाला, नारा तकबीर, नारा हैदर, वसीम मुर्दाबाद, वसीम जहन्नुमी। आजकल की जो यहाँ सबसे बड़ी ताकत है, आज जो गुजारिश करूंगा कि आपका मजहब क्या इजाजत देता है क्यों रोक रहे हैं भैया कि किसी का दिल लुटाया जाए, किसी की तौहीन की जाए, किसी बुजुर्ग की बेइज्जती की जाए, अगर इजाजत नहीं देता है तो आपके मजहब के नाम पे जो काम कर रहे हैं उन्हें समझा के रोकिए। मैं अपने ईसाई भाइयों से, मैं अपने सिख भाइयों से, यहूदी भाइयों से सबसे अर्ज करूंगा कि अगर आप अपने दीन पे हैं तो इसकी इजाजत नहीं देता। और आज हमारा कष्ट है, कल आपकी बारी आने वाली है। ये इस्लाम दुश्मन नहीं है, ये शैतान परस्त है। जितना हमें कुचला गया है उतना हमारा रंग निखरा है, हम गेंदी हैं जिन्हें जितना पीसा जाएगा। जितना पूछोगे उतनी खुशबू फैलेगी। ये रंग भूल जाओ, इंसाफ की बातें करो। आपकी मोमिनी ने कलाम से जो बातें कहना थी मुलाजवा साहब के पैगाम में भी आ गई, खुदे में भी जिक्र हो गया, मौलाना मोहम्मदिया भी फरमा दिया। मजहब हमें इजाजत नहीं दे मुस्तफा सल्लल्लाहु मुसलमानों का और इस्लाम का मसला न समझा जाए। ये इंसानियत और बशरियत का मसला है। बेशक जितने दीन और मजहब हैं उनमें कोई दीन ऐसा नहीं है और मजहब ऐसा नहीं है जो शख्सियत को एक मोतबर शख्सियत और एक बसर पोष शख्सियत और एक ऐसा निज़ाम लाने वाला जो इंसान को आगे बढ़ाना चाहता है न माना पाओ। इसी मुल्क में हमने देखा है, अभी देखा है कि हमारे बरादर वतन जो हिंदू मजहब के हैं उनके जो अहले इल्म हैं उनमें भी दो तरह के लोग हैं, कुछ खाली लिबास में हैं और कुछ वाकई इल्म वाले हैं। जो वाकई इल्म वाले हैं उन्होंने इसी फसाद के दरमियान सराहत से बात की है कि ऐसी शख्सियत के खिलाफ बात करना जो आलम बशरियत के लिए भेजा हुआ है और आलम बशरियत की भलाई चाहता था, ये जहालत के अलावा कुछ नहीं। वाह 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 वाह। पहली बात यह करना चाहता हूँ कि मसला इस्लाम में मुसलमानों का नहीं है, बशरियत का, इंसानियत का है। और हर मजहब चाहे वो कोई मजहब और दीन हो ये सिखाता है कि दूसरे दीन और दूसरे मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करना। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि दूसरे दीन और दूसरे मजहब के बुजुर्गों का एहतराम न किया जाए। पुराने मजीद में सराहत से दिया गया है कि जिनको उन्होंने अपना खुदा बना लिया है उनको भी बुरा भला न कहो, वरना जहालत में तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। तीसरी बात यह समझना चाहता हूँ कि ये टेस्ट शुरू किया गया हमारे साथ ये समझ के कि ये कमजोर है। अगर इसी मरहले पर इस मुल्क के सैलाब को ना रोका गया ये कोई नई बात नहीं है। जिसके नाम से सब कुछ हो रहा है, जिसके मुंह से हो रहा है कि ना उसकी जबान है ना उसका दिमाग है ना उसका कलम। वाह 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 वाह। साजिशें और सारी दुनिया की
इंसानियत दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन नहीं को जो शैतान की हुकूमत चाहते हैं वो इसके पीछे है। और ये काम यूरोप में होता रहा है ताकि तमाम मोमिनों के संवाद के जरिए मुसलमानों को हमारे जो कानूनी मुकालमे मुकालमात है आपको हमारे पेश करेंगे, लेकिन हम अपने पहले जवानों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले गौर करें कि ये कंडीशन क्यों वजूद में आई, ये कैफियत क्यों वजूद में आई, उन्होंने इस तरीके से माहौल को कैसे क्रिएट किया कि वो आठवीं में हमारे दरमियान आकर मूल बना करके चला गया और हम लोग खामोश रहे। इसने कितने पहले आपसे कहा जा रहा था आप गौर तो करें कि कल क्या रहा है, ये कल क्या रहा है, उसने धीरे धीरे हमले किए, हम खामोश रहे। करबला जियारत दौरा में जब जियारत का आशूरा हुआ उस वक्त को इतिहाद का इतना बड़ा सूरमा बन गया तो उसने जियारत आशूरा के उन कलिमात के ऊपर हमला किया और हमारे मौलाना मुमताज जाफर को ऊपर एतराज किया कि आप यहाँ पर इतिहाद की फिक्र को आप खराब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क हमारे यहाँ लोगों में खामोशी पाई जाती रही। उसके बाद उसने न जाने किस तरीके से दखल अंदाजी की, लेकिन खामोश रहे, लोग ये समझते रहे कि शायद ये एक इलाके की लड़ाई है, एक शहर की लड़ाई है, वो लोगों की लड़ाइयां हैं, लेकिन आज उसकी जरूरत इतनी हो गई, उसने हर इलाके में हर महल में शैतान अकेला नहीं करता है, इसलिए उसमें जरूरत ही नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है, वो पहले हम नवाब को अपने साथ करता है, या तकनीक और लालच के जरिए या डर और धम के जरिए, लिहाजा आप गौर करें कि जो लोग भी उसके साथ हैं हम सिर्फ उसका बायकाट नहीं, न जाने कब से चिल्लाया जा रहा है पुकारा जा रहा है बायकाट करिए बायकाट करिए। हमारी शरीयत ने हमको बताया है कि जो बुरे लोग हैं अगर हमने ताकत और दम होगा तो हम उसको सजा देने का भी दम रखते हैं, लेकिन